यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। यू आर राइडिंग इन ए कार, द ड्राइवर सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स एंड यू आर पुश्ड फॉरवर्ड। हु पुश्ड यू फॉरवर्ड? यार एनालाइज करो, है ना, ग्राउंड फ्रेम में एनालाइज करते हैं और कार फ्रेम दोनों में करते हैं। देखो, कंसेप्ट फिजिक्स में तभी क्लियर होते हैं जब तुम उन्हें अलग अलग फ्रेम से, यार न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू कार दोनों फ्रेम से करते हैं ना। तो भाई ये तुम्हारी कार है, मान लो, है ना, यहाँ पे तुम बैठे थे, तो ग्राउंड फ्रेम से देखते ना, पहले तो ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करते ना, ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करते ना, ठीक है। तो ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, तो तुमने ब्रेक अप्लाई करे, तो तुमने जैसे ही ब्रेक अप्लाई करे क्या हुआ, कार जा रही थी बढ़िया, मान लो कार जा रही थी भाई 100 मीटर पर सेकंड से, तो उसके साथ तुम भी जा रहे थे, तुम्हारी मुंडी भी जा रही थी 100 मीटर पर सेकंड से। अरे तुम कार में बैठे थे बढ़िया, कार भी 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है, उसके साथ तुम्हारी मुंडी भी 100 मीटर पर सेकंड से जा रही है। एकदम से ब्रेक लगा भाई, कार रुक गई, कार रुकी, कार के साथ तुम्हारे पैर, तुम जो भी सीट ईट पे बैठे थे वो भी रुक गई, तुम्हारे पैर की भी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई या फिर कम हो गई, जो भी हो गई, है ना। पर देखो, तुम्हारे पैर जो कार के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, समझ में आ रही है बात, तो वो तो फ्रिक्शन के कारण रुक गए, पर तुम मान लो बिल्कुल सीधे खड़े हो, है ना, मान लो तुम मेट्रो में और तुमने वो कुछ भी पकड़ा नहीं है ना। जब अपन बस या मेट्रो वगैरह में खड़े होते हैं तो क्या होता है, कुछ आसपास पोल वगैरह कुछ पकड़ के खड़े होते हैं ना, है ना, ठीक है, क्यों पकड़ते हो तुम्हें समझ में आएगा ना। अगर मान लो तुम कुछ भी नहीं पकड़े तो तुम्हारे पैर तो कार के कॉन्टेक्ट में, तो वो तो रुक गए, पर भाई मुंडी तो नहीं, मुंडी को कौन रोकेगा, मुंडी को सिर्फ हड्डियां ही रोक सकती हैं। पहले पैर रुकेंगे, फिर बताए नीज रुकेंगे, फिर कमर रुकेगी, फिर चेस्ट रुकेगी, फिर ऊपर तक आएगा, तो ट्रांसफर होने में समय लगेगा। उतनी देर में मान लो इसकी वेलोसिटी कम होते होते 50 हो गई, ये तो 0 हो गई, ये 50 हो गई, पर पुश तो हो लगा ना, तुम आगे तो गए। एक्चुअली में तुम्हारा हुआ क्या, तुम्हें किसने, तुम कहोगे सर मेरी मुंडी को आगे पकड़ के किसने खींचा, अरे किसी ने आगे नहीं खींचा तुम्हारी मुंडी को, तुम्हारे पैरों को पीछे खींचा गया है। मुंडी को किसी ने आगे नहीं खींचा, इसलिए तो तुम्हारे पैरों को पीछे खींचा गया है। तुम्हारी मुंडी तो बिल्कुल जैसी जा रही थी वैसी जा रही थी, एकदम से तुम्हारे पैर ब्रेक लगे, कार रुकी, तो तुम्हारे कार पे जो ये जो फ्लोर का फ्रिक्शन था उसने तुम्हारे पैरों को पीछे खींच लिया, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम आगे गए। असलियत में क्या हो रहा है, असलियत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, असलियत जैसा कुछ नहीं होता यहाँ पे ना। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम्हारे पैर पीछे गए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, तो देखो असलियत में तो भाई पैर भी है ना आगे ही जा रहे थे, पर पैरों को रोका गया ना, है ना, एज कंपेयर टू योर हेड, है ना, तुम्हारे लेग्स पहले रुक गए, ठीक है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कभी भी इनर्शिया से मत देना ना, क्यों, क्योंकि देखो इनर्शिया वर्ड की जरूरत पता है गैलीलियो ने इन्वेंट करा था ना, तो इसकी जरूरत तब तक थी जब तक न्यूटन नहीं था। न्यूटन के लॉज आने के बाद इनर्शिया वर्ड की इस दुनिया में जरूरत नहीं है, और जब भी अपन इनर्शिया सेंट्रीफ्यूगल वर्ड्स का यूज करके आंसर देते हैं तो याद रखना तुम फिजिक्स को समझने से बच रहे हो, तुम हाईफाई टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, और जो सोचने वाला पार्ट होता है, जो इतने डिटेल में चीजें सोची नहीं होती, उससे बच जाते हो। और जब तक तुम ऐसे बचते रहोगे तुम एक्चुअल फिजिक्स कभी नहीं पढ़ पाओगे ना, तुम हाईफाई वर्ड्स रट लोगे बहुत सारे, पर फिजिक्स का एसेंस नहीं सीख पाओगे। तो याद रखना इस वक्त हमारी दुनिया में इनर्शिया जैसे वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम जो लो लेवल की जितनी भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल होती हैं वो आंसर इनर्शिया वर्ड यूज करके ही एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वहां पे तुम वर्ड गलत नहीं बोलेंगे आंसर, बट उसमें कोई फिजिक्स बची नहीं है, उसमें कोई सोचने वाली चीज बची नहीं है ना। तो मेक श्योर कि इस तरह के वर्ड्स का यूज ना करो, इस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करो ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमको मिले, ठीक है। चलो कार की फ्रेम से बात करते हैं, चलो कार की फ्रेम से बात करें अगर, है ना, मान लो कार फ्रेम से बात करते हैं, तो कार की फ्रेम में क्या हुआ, तुमने जब ब्रेक लगाए थे तो कार का एक्सेलरेशन पीछे हुआ था, है ना, तो कार की फ्रेम में क्या होगा, इस डायरेक्शन में एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी आएगी, है ना। जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा, तुम यू कैन कॉल इट सूडो फोर्स, है ना, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कंसेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था, राइट, आइंस्टाइन जनरली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट, है ना, हाँ। तो कोई नहीं, तो अब इसकी फ्रेम में क्या हो गया, एक तो अर्थ वाली ग्रेविटी नीचे है, जैसे ही ब्रेक लगे कार की फ्रेम में क्या हुआ, कार की फ्रेम में एक ग्रेविटी आई इस डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी खींच रही है, ग्रेविटी तुम्हारी मुंडी को भी खींच रही है, पैरों को भी खींच रही है, पर ग्रेविटी का जो फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, आर्टिफिशियल ग्रेविटी का फोर्स है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू आर्टिफिशियल ग्रेविटी, है ना, पर तुम्हारे पैरों को किसने बचा लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन ने, एक ग्रेविटी आई वो तुम्हारी पूरी बॉडी को खींच रही थी, इस डायरेक्शन में ग्रेविटी आ गई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो कार की फ्रेम से बात कर रहे हैं ना अपन, तो तुम्हारे पैरों को तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने बचा लिया, पर तुम्हारी मुंडी को रोकने वाली कोई चीज नहीं, तो मुंडी थोड़ी सी आगे हो जाएगी और फिर तुम्हारी बोन्स वगैरह ऐसी हो जाएंगी, है ना, तुम्हारी बोन्स थोड़ी सी ऐसी हो गई, तो फिर उसका एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट का फोर्स आएगा जो तुम्हारी तुम्हें पूरा गिरने से रोक सकता है, या फिर हो सकता है अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा हुआ तो बोन्स का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स आ रहा है वो रोक भी ना पाए, तो तुम्हें बिल्कुल कंप्लीट वे में सोचना पड़ेगा ना, इसलिए अपन ऐसे ऐसे टिल्ट हो जाते हैं, राइट, है ना, आई होप समझ में आया, ठीक है, वेरी गुड, है ना, क्लियर है क्या भाई, कार फ्रेम और ग्राउंड फ्रेम दोनों में क्लियर है, अपन ने दोनों फ्रेम से ऑब्जर्व कर लिया ना, इनर्शिया जैसे वर्ड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना।